हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फी तो सेल्फी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर कब तक थिएटर में आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रोडिक्शन दिया जाएगा कहानी के ऊपर एक चर्चा करने वाले जहाँ पे फिल्म एक रीमेक फिल्म है मलयालम लैंग्वेज की फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का तो रीमेक और ओरिजिनल के

जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ यश जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप गोड फिल्म्स फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए अक्षय नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो, यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिख देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ में चीज़ें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्जेक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तहत बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फ़िल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस ये तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फ़िल्म चलने के चांसेस जैसे टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हासमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे थिंगलिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डिरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस 20 दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहां पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ यश जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पी फिल्म्स गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे, है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी

तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है Eventually, ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीजें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीजें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीजें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपने उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओटी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की चौबीस फरवरी दो हज़ार तेईस रखी गई कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हालांकि फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस स तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे थिंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था 20 दिसंबर 2019 को फिल्म को 135 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे ऑफ गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंटी इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिश्रा विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो

तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है Eventually, ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीजें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीजें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीजें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फिल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है ओपनिंग अच्छा ले सकते हो हालांकि फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस स तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हासमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे टेवी इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोगा रहने वाला है सेल्फी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टिन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टिन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के ऑफ गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार की वहीं पे हम रोनाल्ड ठाकुर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो

चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तहत बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म के रिलीज डेट 24 फरवरी 2023 रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसम टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को यह फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मजबूत नजर आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्सन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज वेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके है जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन, करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन, तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे फिल्म्स गोड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्जेक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तहत बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट 24 फरवरी 2023 रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हैं हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है वो लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है जैसे हम टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मजबूत नजर आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली 200 करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे भी इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार महीने के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडू वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप ऑफ फिल्म्स फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हासमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तर, तर, आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म के रिलीज डेट 24 फरवरी 2023 रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसम टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मजबूत नजर आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार महीने के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोगा रहने वाला है सेल्फी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडू वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे गोड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े अक्षय के के कुमार पेंटी इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल्ड ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डीजे वायरस नील मिश्रा विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे थे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिख देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तहत बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ टी और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन वो हिंदी डब में अभी तक, अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसम टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह लोगों एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मजबूत नजर आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीजें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडू वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप ऑफ फिल्म्स फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग अक्षय के के कुमार पेंटी इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यूए हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीज़ें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब त, त, आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस देते हुए एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालाँकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे एविथिंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडू वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टिन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टिन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरुजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिख देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का तो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीजें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते है आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीज़ें थोड़ी चेंज की हुई हैं लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्जेक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तर, त आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस देते अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस म टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मज़बूत नजर आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे थिंगलिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोगा रहने वाला है सेल्फी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज वेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेफन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे फिल्म्स गोड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो, यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का तो रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेज लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तहत बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो यह फिल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मजबूत नजर आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली 200 करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोगा रहने वाला है सेल्फी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप ऑफ फिल्म्स फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूचा ने ओम प्रकाश awesome की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज किए हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्जेक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तर, त आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हैं हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे भी इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ यश जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप ऑफ गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आस में देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ, हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूचा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीजें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ जा प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हालांकि हालाँकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फ़िल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टिन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस 20 दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहां पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ यश जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टिन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे फिल्म्स गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा

पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिख देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीजें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ में चीज़ें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्जेक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फ़िल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस दे एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हासमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे थिंगलिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टिन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था 20 दिसंबर 2019 को फिल्म को 135 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे ऑफ गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंटी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी में आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूचा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी देखने को मिलेंगे तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर टी ओ ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ में चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेसलाइन लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस देते एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस जैसे टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली 200 करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे एविथिंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडू वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टिन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस 20 दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टिन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे फिल्म्स गोड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी में आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूचा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंग में देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट लेकिन एक बार जब चीजें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर टी ओ ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सेट जो मेन स्टोरी है बेसलाइन लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तहत बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस देते तो अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को यह फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज वेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके है जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के गोल्ड फिल्म्स गोड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोना ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हासमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूचा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने, देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीज धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में भी पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीजें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीजें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहा पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीजें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हैं हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्सन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोगा रहने वाला है सेल्फी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है, जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूं तो वो 2019 की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहां पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था 20 दिसंबर 2019 को फिल्म को 135 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप ऑफ फिल्म्स फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है इमरान देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा पेंट इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल ठाकुर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी

तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीजें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीजें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहा पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीजें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब त, त, आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट चौबीस फरवरी दो रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालाँकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फ़िल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली 200 करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने ओरिजिनल स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहां पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पे हम रोनाल्ड ठाकुर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डीजे वायरस नील मिश्रा विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और योहन

तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते है आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है Eventually, ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीजें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीजें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीजें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब त, आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपने उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज फरवरी दो हज़ार तेईस रखी गई ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी में। जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हालांकि फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो यह फिल्म चलने के चांसेस है फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस किस तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे भी इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था 20 दिसंबर 2019 को फिल्म को 135 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहाँ पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रीमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे ऑफ गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंटी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोनाल ठाकुर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिश्रा विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो

तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है Eventually, ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीजें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीजें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहा पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज चीजें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फिल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो की रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओटी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज फरवरी दो हजार तेईस रखी गई ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है ओपनिंग तो अच्छा ले सकते हो हालांकि फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस स तरह का रहता है रिलीज के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएटिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे एविथिंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूं तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बिंजारा मोडू वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहां पे हिंदी वर्जन के लिए रिमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के पे ऑफ गोड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोनल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी जे वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो

चीज़ें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ट फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज की हुई लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेज लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब त आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म की रिलीज डेट 24 फरवरी 2023 रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसम टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मज़बूत नजर आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिटती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे थी सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेजारा मोडो वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफ़ी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है के ऑफ गोल्ड फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रोनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूजा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीजें धीरे धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक बनाना चाहते हैं आर ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेज लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फिल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब तथा बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म के रिलीज डेट 24 फरवरी 2023 रखी गई है आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है चांसेसम टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मजबूत नजर आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली 200 करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे भी इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के साथ कुछ नौका जोका रहने वाला है सेल्फी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक ड्रामा फिल्म है। जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कह सकते हैं इसको जिसको डायरेक्ट किया हुआ है राज मेहता ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है ऋषभ शर्मा ने और इधर स्टोरी है वो साचे की है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी लिखी हुई थी लाल जूनियर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर थोड़ी डीप में जानकारी दूँ तो वो दो की मलयालम लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे फिल्म के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बेंजारा मोडू वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुप्रिया मेनन और लिस्टियन स्टीफन ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वीराज प्रोडक्शन और मैजिक फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया और मैजिक फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था बीस दिसंबर दो को फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था सवा दो घंटे की फिल्म थी जहां पे चार करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने तेईस करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस के बीच में एक काफी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई लोगों को फिल्म काफी पसंद आई उसके बाद में फिल्म के रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए रीमेक राइट्स खरीदे गए जहाँ पे इस फिल्म के साथ ओरिजिनल प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए और कुछ नए प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हिंदी में सेल्फी नाम के साथ हीरो जौहर अरुणा भाटिया सुप्रिया मेनन करण जौहर पृथ्वीराज सुकुमारन अपूर्व मेहता लिस्टेन स्टेपन तो ये कुछ प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रहा है केप ऑफ फिल्म्स फिल्म पृथ्वीराज प्रोडक्शन मैजिक फ्रेम्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है वहीं पर स्टार स्टूडियो के द्वारा फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह से इस फिल्म के प्रोडक्शन के साथ लोग जुड़े हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के कास्ट के ऊपर तो अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट है वशिष इमरान आसमी देखने को मिलेंगे वहीं पे नुसरत भरूचा रैना पेंट इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेगी लीड एक्ट्रेस है फिल्म की वहीं पर हम रूनाल ठाकुर को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है मोहम्मद तालिब शाह देखने को मिलेंगे सनी यादव डी वायरस नील मिस विशाल मिश्रा पारितोष त्रिपाठी मेघना मलिक और यो हनी सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे अक्षय कुमार ने विजय कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इमरान हाशमी आपको ओम प्रकाश अग्रवाल के रोल में दिखाई देंगे नुसरत भरूचा ने ओम प्रकाश की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है डायना पेंटी आपको इस फिल्म में विजय की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे इस फिल्म में आपको पारितोष त्रिपाठी रिंकू के रोल में दिखने देखने को मिलेंगे मेघना मलिक ने विमला तिवारी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा और भी आर्टिस्ट है लेकिन एक बार जब चीजें धीरे-धीरे रिवील होगी तब उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कुछ प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार विजय कुमार जो अपना एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते आरटीओ ऑफिसर है ओम प्रकाश अग्रवाल जो उनके एक डाई हार्ड फैन है लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से सुपरस्टार और उनके फैन के बीच में कुछ एक खतरनाक झगड़ा हो जाता है वो स्टार्ट हो जाती है इवेंचुअली ये जो इशू है वो इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से ये सभी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने आ जाती है और उसके बाद में जो चीज़ें होती है वही फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है जहाँ पे ओरिजिनल कहानी साचे की थी लेकिन राज मेहता ने अपने इनपुट्स भी डाले हुए चीज़ चीज़ें थोड़ी चेंज की हुए लेकिन जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है जो एक्सैक्ट जो मेन स्टोरी है बेस लाइन है वो सेम है इसके अलावा इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो स्टार्ट की गई थी मार्च महीने में फ़िल्म को अनाउंस किया गया था जनवरी 2022 में मार्च महीने में मार्च 2022 को मुंबई से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया था अगस्त महीने तक शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया बाद में मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर काम किया गया और उसके बाद में इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अब त आ, बाद में इस फिल्म का ट्रेलर आउट किया गया एक मोशन पोस्टर भी आउट किया गया था अब आने वाले समय में कुछ गाने सुनने को मिलेंगे और उसके अलावा बाद में फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का जब ट्रेलर आउट हुआ तब लोगों के बीच में एक अच्छा खासा बस क्रिएट हुआ लोगों को ट्रेलर पसंद आया और आने वाले समय में इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जताई हुई थी रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो चौबीस फरवरी दो रिलीज डेट निकल के आई हुई है और इसके अलावा इस फिल्म को आने वाले समय में बाद में ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा फिल्म के रिलीज डेट 24 फरवरी 2023 रखी गई आसपास ऐसी कोई बड़ी फिल्म तो देखने को नहीं मिल रही है अभी फिलहाल में जिस तरह से फिल्म का बस है तो एक अच्छा खासा ओपनिंग ले सकते हो हालांकि ये फिल्म रीमेक है तो लेकिन ओरिजिनल वर्जन है वो हिंदी डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है जिस वजह से इस फिल्म को जो कहानी है लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है तो ये फिल्म चलने के चांसेस है जैसे टू फिल्म की तरह तो आने वाले समय में इस फिल्म का बस किस तरह का रहता है रिलीज़ के वक्त लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा का कलेक्शन किस लेवल का होगा लेकिन जिस तरह से जो बस क्रिएट हुआ है जिस तरह से लोगों की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि अक्षय कुमार इमरान हाशमी को एक साथ में देखने के लिए और ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम वर्जन में एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिस वजह से कहानी काफी मजबूत नजर आ रही है ट्रे टीजर ट्रेलर में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है जो एक कॉन्फ्लिक पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी पसंद आया हुआ है अब आने वाले समय में ये फिल्म जब रिलीज़ की जाएगी तो लोगों को ये फिल्म कैसी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फुल फीचर फिल्म में ये सभी चीज़ें उनको कैसे पसंद आती है अगर चीज़ें सभी सही रही तो ये फिल्म डेफिनेटली दो करोड़ के पार का कलेक्शन कर सकती है आने वाले समय में अब देखते कि ये सभी चीज़ें किस तरह से सही बिड़ती है थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को बाद में ओ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन प्रीमियर करवाया जाएगा और ओ रिलीज़ के करीबन तीन चार महीने के बाद इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सेल्फी नाम के साथ अवेलेबल किया पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है वहीं पे इस फिल्म के साथ कुछ रहने वाला है। तो बस ड्राइविंग का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा उसका एक प्रोडिक्शन दिया हुआ है इस फिल्म का रिमेक ओरिजिनल के बीच का दिया हुआ है साथ ही डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में बातचीत हो चुकी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू